आपको ज्ञात हो कि मिथिला समाज काशी समाज में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से कार्यरत है। इसी क्रम में 30 जनवरी को मिथिला समाज काशी द्वारा कैस्टिलो ग्रीन लॉन, कैलाश पुरी मठ, रानीपुर महमूरगंज में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे वशिष्ठ त्रिपाठी, के त्रिपाठी, राधेश्याम खेमजा, पंडित शिवनाथ मिश्रा, बाबा शिवानंद झा, ये सभी जिनको देश ने महत्वपूर्ण पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण के लिए चिन्हित किया है, उनके लिए सम्मान प्रकट किया गया। इसमें सम्मानित पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं का मार्गदर्शन सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और मानव सेवा के लिए है और संगीत क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और भी बहुत सारे अपने अपने फील्ड के जो मास्टर लोग हैं वो उनको जब सरकार सम्मानित करती है तो हम लोग संयोग से हमारे शहर में रह रहे 5 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि इन्हीं के माध्यम से हम राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और देश सेवा कर सकूं, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आज कितने लोगों को सम्मान किया गया? आज 5 लोगों का सम्मान था, जिसमें पद्म विभूषण प्रोफेसर विशिष त्रिपाठी जी चिकित्सा सलाह की वजह से वो नहीं आ सके और अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, तो उनका कहना था कि नहीं, मेरे घर पे आप लोग आके मेरा सम्मान करें, मैं बड़ी दुखी हूँ कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। उसके अलावा के कमलाकर त्रिपाठी जो पद्म भूषण पाए हैं, स्वर्गीय राधेश्याम खेमका जी हैं जिनके पौत्र उनका चूँकि वो मरणोपरांत मिला है, उनके पौत्र रिसीव करने आए थे, उनके पौत्र उनके रिसीव करने आए थे उनके सम्मान को। और उसके बाद सितारवाद में शिवनाथ मिश्र जी जो 125 साल जीवित हैं और अभी भी पैदल चल के आए हैं, मैं उनको वो भी उपस्थित थे, हम लोगों ने पूरे समाज के लोगों ने उनका भी सम्मान किया है। साथ ही में पंडित शिवनाथ मिश्र जी हैं जो सितारवादक के रूप में उनको सितारवादक में उनको नवाजा गया है, उसके लिए उनको बुलाया गया था, उसको भी सम्मानित किया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।